हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने डॉक्टरों के द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन और सरकार के खिलाफ हो रही बातचीत के बारे में कहा कि इस मामले को जल्द से जल्द निपटा दिया जाएगा। बातचीत चल रही है, मुख्यमंत्री खुद संज्ञान ले रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि इस मामले को जल्दी निपटारा किया जाएगा। इंदिरा गांधी के पोते राहुल गांधी के मुंह से ये बात शोभा नहीं देती, जिसने संविधान को रोंद कर देश में इमरजेंसी लगाई, सारे मौलिक अधिकारों को खत्म कर दिया, उन पर कुठाराघात किया, सारे देश में लोगों को उठा उठा कर जेलों में डाल दिया, यातनाएं दी गई, ढाई ढाई साल तक लोगों को जेल में रखा हुआ। अब उसे इंदिरा गांधी का पोता संविधान और प्रजातंत्र की बात करे, वो शोभा नहीं देता। कांग्रेस पार्टी ने अपने सारे राज्य में काल में अनेकों सरकारों को, चुनी हुई सरकारों को ध्वस्त किया, तोड़ा इन्होंने। हमारा ये समय है जो इसमें भी कुछ प्रदेशों में हालात बिगड़े, लेकिन हमने संविधान की उस धारा का प्रयोग नहीं किया जिसके तहत चुनी हुई सरकारों को तोड़ा जा सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस संविधान की, प्रजातंत्र की पूजा कर। नहीं, इसका जल्दी निपटारा हो जाएगा, बातचीत चल रही है और उसमें मुख्यमंत्री जी खुद इसका संज्ञान ले रहे हैं। तो मुझे तो लगता कि यकीनी तौर पर ये मामला निपट जाएगा। मतलब हुड्डा साहब ने कहा बीजेपी आठ साल सरकार चलाते हो गए, एक भी कोई पावर प्लांट को स्थापित नहीं कर पाई और मुफ्त में एक भी यूनिट बिजली का अपने सिर वो ले रही है क्रेडिट। इसके लिए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को शाबाशी देनी चाहिए कि उतने ही प्लांटों में उन्होंने सबकी बिजली पूरी कर दी। और हुड्डा सरकार के जो है वो निखिद सरकार थी कि उन्हीं प्लांटों से लोगों की इंडस्ट्रियां बंद हो गई, लोग अंधेरे में रहे, लोगों को बिजली नहीं मिलती थी। तो इस ये जो बयान है हुड्डा साहब का, इससे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को की पीठ थपथपानी चाहिए कि बिना कोई नया प्लांट लगाए हर आदमी को बिजली दी जा रही है। इसका मतलब आपके राज में चोरी होती थी, ठगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी में ड्रामा करना इनको सिखाया जाता, क्योंकि ये बेरूपी हैं, ये अंदर से कुछ बाहर से कुछ है। अब किसी सड़क का एक खड्डा दिखाकर ये सारी सड़कों के बारे में कह दें, ये वाजब बात नहीं। केजरीवाल जी, जो आपने दिखाना है वो सारा देश देख रहा है। आपका मंत्री जिस प्रकार से तिहाड़ जेल में ऐशो आराम कर रहा है, 5-स्टार होटल के वो वहां पर लाभ उठा रहा है, जिस प्रकार से बलात्कारियों से वो मसाज करा रहा है, तो आपका तो सारा दर्शन जो है, जो आपकी विचारधारा है, जो आपकी सोच है, वो सारा देश देख रहा है आप। अब ये तो एक नया नमूना पेश किया केजरीवाल जी ने। ये जब आए थे पहली बात तो इन्होंने कहा था हम सरकार नहीं बनाएंगे, सरकार बना दी। इन्होंने कहा था कि हम एक ईमानदार सरकार बनाएंगे, भ्रष्टाचार के केस में इनके कितने लोग अंदर हैं। इन्होंने कहा था कि हम दूसरे नेताओं की तरह से हम सुख सुविधाएं नहीं लेंगे, तो जेल के अंदर भी आप सुख सुविधाएं लेने से पीछे नहीं हट रहे हैं और वहां पर अपनी सरकार का रोब दिखाकर जेल के अधीक्षक को बुलाकर आप वहां पर उनसे वार्ता कर रहे हैं। एक कैदी को क्या अधिकार है कि वो जेल सुप्रिंटेंडेंट को बुलाकर और वहां पर उसको आदेश दे जाओ, उससे बातचीत करें। तो ये केजरीवाल जी का जो फिलोसफा है,
जो उनकी विचारधारा है ये वो लोग सब रोजाना देख रहे हैं।